सो वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो आप लोग? कई दिनों के बाद आज एक कंपैरिजन वीडियो आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं HP Pavilion विद Ryzen 5 5600H विद Asus TUF A15 2021 Ryzen 7 4800H। दोनों में ही आप लोगों को RTX 3050 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो अब देखने वाली बात यह है कि आप लोगों को कौन सा लेना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूं रोहित और आप देख रहे हो टेक रोहित। सो गाइस सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ डिजाइन एंड बिल्ड की। सो HP Pavilion एंड Asus TUF A15 दोनों की चार्जेस जो है वो प्लास्टिक बिल्ड है। Asus TUF A15 में आप लोगों को थोड़े से ड्यूरेबिलिटी जो है वो ज्यादा मिल जाएगी एज कम्पेयर टू द HP Pavilion। सामने की तरफ HP का लोगो मिल जाएगा, आप लोगों को बिल्कुल ही सिंपल लुक है। वहीं Asus TUF A15 में आप लोगों को थोड़ा सा मैट फिनिश देने को मिल जाएगा, जिससे कि यार थोड़ा सा ग्रिप ज्यादा बेटर बनता है, नथिंग एल्स। एंड Asus में फ्रंट साइड पे आप लोगों को एक छोटा सा लोगो भी देखने को मिल जाएगा, सो दैट लुक्स कूल। एंड अगर वेट की बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको HP Pavilion जो है वो 1.98 kg का है एंड Asus TUF A15 यहाँ पर 2 kg का है। सो ऑफकोर्स यहाँ पर ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं वेट्स में, तो डिजाइन में तो दोनों बहुत ही सिमिलर एक दूसरे के। सो गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर CPU परफॉर्मेंस की। तो एज यू कैन सी यार यहाँ पर HP Pavilion में आप लोगों को Ryzen 5 5600H वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को 6 कोर और 12 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। वहीं बात करूँ यार Asus TUF A15 की, तो यहाँ पर Ryzen 7 4800H का यूज करा गया है, जिसमें आप लोगों को 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। सो कहीं ना कहीं यार यहाँ पर Ryzen 7 4800H थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस निकाल करके देता है एज कम्पेयर टू Ryzen 5 5600H। सो गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर GPU परफॉर्मेंस की। तो दोनों में ही आप लोगों को 4GB GDDR6 RTX 3050 देखने को मिल जाता है। अगर बात रही है TGP वैल्यूज की, तो ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं दोनों में यार। दोनों में आप लोगों को 75 वॉट्स की TGP देखने को मिल जाती है, सो दैट इज अ वेल एंड गुड। सो आप लोगों की अच्छी खासी गेमिंग हो जाएगी इन दोनों में। सो गाइस बात करो डिस्प्ले की, तो दोनों की डिस्प्ले यार बिल्कुल बराबर है, यू कांट डिस्टिंग्विश देम, बिकॉज दोनों में ही आप लोगों को 15.6 इंचेस का एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विद 144 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। बाकी इसमें आप लोगों को 45% ऑफ NTSC दैट इज इक्वल्स टू 63% ऑफ sRGB भी मिल जाता है, सो यू कैन डू नॉर्मल स्टफ्स इजिली। तो गाइस बात करूं कीबोर्ड की, तो यहाँ पर आप लोगों को Asus TUF A15 में 1 zonal RGB वाला कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। इसमें यार आप लोगों का नम पैड इंक्लूडेड है। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर HP Pavilion की, तो यहाँ पर आप लोगों को एक सिंगल बैकलाइट वाला कीबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि ब्लू कलर की है। उसकी ब्राइटनेस को आप कंट्रोल कर सकते हो, दैट्स ऑल, और उसमें कोई कलर्स वेरिएशन नहीं है। सो यहाँ पर थोड़ा सा तो एडवांटेज लेके आया Asus TUF A15 इन टर्म्स ऑफ कीबोर्ड। सो गाइस बात कर लेते हैं पोर्ट्स की, तो यहाँ पर यार मेरे को HP Pavilion थोड़ा सा पीछे आता हुआ दिखा है, बिकॉज HP Pavilion में बहुत ज्यादा ही कम पोर्ट्स दिए गए हैं एज कम्पेयर टू द Asus TUF A15। सो गाइस आपके स्क्रीन के सामने पोर्ट्स लिखी हुई आ रही होंगी, तो उसको पॉज करके पढ़ लो, नहीं तो लोग यही बोलेंगे कि भाई स्पेक्स तो मैं भी पढ़ सकता था। सो गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर कनेक्टिविटी की, तो HP Pavilion में आप लोगों को Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ का वर्जन 5.2 देखने को मिल जाता है। वहीं Asus TUF में आप लोगों को Wi-Fi 6 देखने को मिलता है एंड ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे निकल चुका है हमारा HP Pavilion। सो गाइस अभी हम लोग बात कर रहे थे अपग्रेड्स की, तो Asus TUF A15 में आप लोगों को 8GB की सिंगल चैनल रैम देखने को मिल जाएगी, जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 32GB। सेकेंडरी स्टोरेज की बात करूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को 512GB की SSD देखने को मिल जाएगी। साथ में आप लोगों को यार एक एक्स्ट्रा M.2 स्लॉट देखने को मिल जाएगा, तो जहाँ पर आप लोग एक स्लॉट में 2TB तक एक्सटेंड कर सकते हो। सो दोनों स्लॉट में अगर आप चाहो तो 4TB तक SSD लगवा सकते हो। वहीं बात करूँ HP Pavilion में, यहाँ पर आप लोगों को सेम 8GB का सिंगल चैनल देखने को मिल जाएगा, जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 32GB। एंड बात रही यार सेकेंडरी स्टोरेज की, तो यहाँ पर आप लोगों को 512GB की M.2 NVMe मिल जाती है। सो यहाँ पर यार आप SSD को एक्सटेंड कर सकते हो अप टू 2TB। बाकी यार यहाँ पर आप लोगों को शायद एक HDD का भी स्लॉट मिल जाता है, आई एम नॉट श्योर फॉर दैट, क्योंकि यार नए वाले मॉडल में ऐसा कुछ अभी डिस्क्रिप्शन नहीं मिला है। तो जैसे ही मिलता है मैं कमेंट में अपडेट कर दूंगा। सो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटरी एंड अडैप्टर की, तो देखो HP Pavilion में आप लोगों को 52.5 वाटर्स की बैटरी देखने को मिल जाती है विद अबाउट 200 वाट ऑफ AC अडैप्टर। Asus TUF A15 में तो यहाँ पर आप लोगों को 90 वाटर्स की बैटरी देखने को मिल जाएगी विद अबाउट 180 वाट ऑफ AC अडैप्टर। तो यार यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा इन Asus TUF। सो गाइस फाइनली बात कर लेते हैं यहाँ पर थर्मल्स की, तो आप लोगों को जैसा पता है यार Asus TUF A15 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करा गया है थर्मल्स में, एंड पिछले वाले मॉडल से बहुत ज्यादा ही बेटर है। एंड ये टेम्परेचर्स भी इसके अब बहुत ज्यादा डाउन रहते हैं, एंड मैक्सिमम यार ये 80-90 ही टच करती हुई जाती है। अब डिपेंड करता है यार आप कौन सा गेम खेलते हो, फॉर हैवी गेम्स ये मैक्सिमम 91-92 भी कभी कभी चली जाती है। बाकी फॉर ऑल एवरेज एंड मीडियम सेटिंग्स पे रखते हो यार, तो आप लोगों को बहुत सही FPS देखने को मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को गेम्स भी बहुत ज्यादा स्मूथ चलेंगी, एंड टेम्परेचर भी वही यार आप लोगों का 80
83 ही जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ एचपी पवेलियन की, तो भाई शुरू से ही यार एचपी पवेलियन के जितने भी मॉडल आते रहे उसमें कभी भी थर्मल्स इश्यूज तो कभी भी देखने को यार नहीं मिले हैं। एंड बाकी इसके नए मॉडल्स में भी यार थर्मल्स में चेंजेस करे गए हैं, जैसे कि जो फैंस है यार वो अब सेपरेट कर दिए गए हैं, पहले जो है वो एक साथ रहते थे, तो दैट इज अ गुड थिंग। एंड यहाँ पर भी यार आप लोगों को जो टेम्परेचर है वो ज्यादा वेरिएट नहीं करता वो दिखेगा। थर्मल्स के मामले में यार यहाँ पर दोनों ही बहुत सही है एंड यू कैन गो विद एनी वन ऑफ देम। सो गाइस अब फाइनली बात कर रहे थे कि आपको किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसस स्टफ A15 में थोड़ा सा यहाँ पर FPS ड्रॉप के इश्यूज आ रहे हैं एंड यार एसस वालों ने इसके प्रति कोई भी कदम नहीं उठाया है एंड कोई सभी अभी तक BIOS अपडेट नहीं दिया है। एंड वही बात रही यार एचपी पवेलियन की, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप लोगों को ऑफिस 19 इंक्लूडेड है। सो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप लोग के लिए बहुत सही है यार, बिकॉज ऑफिस 19 बहुत कम गेमिंग लैपटॉप्स में इंक्लूडेड होते हैं, स्पेशली अंडर 60-70,000 के रेंज में। ऑल्सो यार यहाँ पर एचपी पवेलियन में आप लोगों को 25GB की ड्रॉप बॉक्स स्टोरेज मिल जाती है 12 महीनों के लिए, तो ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। सो गाइस यहाँ पर थोड़ी सी जो कौन रहती है यार वो एक्चुअली बैटरी में है, बिकॉज यहाँ पर 52.5 वाट्स की बैटरी मिलती है एचपी पवेलियन में। सो थोड़ा सा यहाँ पर यार आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, बट यार अगर प्राइस देखो और बाकी स्पेक्स देखो तो उसके हिसाब से यार ये चीज निगलेक्ट करी जा सकती है। ऑल्सो यार एसस स्टफ A15 अभी अवेलेबल नहीं है, सो अगर आपको कुछ परचेस करना है 3050 इन द बेस्ट बजट रेंज तो इससे बेटर आप लोगों को नहीं मिल सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कैसा लगा हम लोगों को वीडियो प्लीज हिट अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।